तो जय राम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हमारे YouTube चैनल पुरोगामी MP11 पर। तो दोस्तों आज और एक नए लेटेस्ट व्लॉग के साथ आ गया हूँ। तो आज भी यही प्रोग्राम रहेगा गेहूँ कटाई का। तो देख सकते हो हार्वेस्टर आ गई है और उस दिन गेहूँ थे अपने लोकवन और आज है पुना। तो देखते क्या मामला रहता है। तो अंत तक जुड़े रहना, व्लॉग को पूरा देखना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और क्या हाल है? सब बढ़िया। सत्रियाकाल। और बोलो, आज व्लॉग बन रहा है, यूट्यूब पे डलेगा है। तो कुछ बोलो आप। हम क्या बोलने, बस गेहूं काटने लगे हैं। गेहूं काटने लगे हो? आ गया गेहूं। ओ आ गया गेहूं। चलो काटो। और क्या? ठीक है। तो प्रॉपर कहाँ से हो आप वैसे? अमृतसर सिटी। अमृतसर से सिटी। कितनी गाड़ी लेके आए? गाड़ी एक ही है। चलो बढ़िया है, ठीक है, जोरदार। गणेश हो रहा है अपने घर के सामने वाले खेत में, जो कुएं के पास में खेत है वहाँ। और गजानन गणपति महाराज की जय हो, मजा आएंगे। अब थोड़ी सी टेक्निकल समस्या आ गई है, तो ये काम चल रहा है रिपेयरिंग का। समस्या तो आती रहती है, ब्लेड टूट गई है शायद। तो ये खेत है, यहाँ से प्लांट पूरा बहुत अच्छा दिखेगा। ये देख सकते हो पूरा सूख गया है, जहाँ पर पानी जाता है वहाँ थोड़ा सा गीला है, बाकी सूख गया है पूरा एकदम, देख सकते हो। ये मामला है पूरे खेत का। ये घर सामने अपना जस्ट दिख नहीं रहा होगा, बाकी मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये घर आ गया अपना, ये कुआ है और ये गेहूँ का प्लांट। दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल समस्या आ गई है गाड़ी में, तो थोड़ी देर रुकी हुई है, रेस्ट पे हैं। तो समस्या तो आती रहती है थोड़ी बहुत, तो अभी रुके हुए हैं, वापस से प्रोग्राम चालू होने वाला है तो बताएंगे आपको। अभी थोड़ा सा वेट करिए, तो देखते हैं क्या मामला रहता है, कैसा क्या माल निकलता है, क्या उत्पादन आता है। ड्राइवर बन गया हूँ मैं, मतलब सिर्फ बैठने वाला ड्राइवर हूँ, क्योंकि चलाते आती नहीं अपने को। और अभी काम चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, देखते हैं, बने रहना हमारे साथ, मजे करना। अभी ये काट रहे हैं, पुना गेहूं है, अब देखते हैं क्या मामला रहता है। अभी गेहूं देखे नहीं है, कुसी आ रही है कि नहीं है और कैसा क्या कट रहा है। अब चालू हुई है, अभी थोड़ी देर ही हुई है, और बने रहना पूरे व्लॉग में, मजा आ रहे हैं बिल्कुल। बहुत मस्त लग रहा है मेरे को, हार्वेस्टर पे बैठ के ऐसा लग रहा है कि हत्ती पे बैठा हूँ, क्योंकि अभी तक घोड़े पे बैठा हूँ, घोड़ा अपना ट्रैक्टर है। तो वापिस से गाड़ी चालू हो गई है, मामला टनाटन चकाचक। आराम से
तो दोस्तों देख सकते हो ये ट्राली पैक हो गई है पुनः गेहूँ की। ये मामला रहा और ये माल है हल्का सा गीला है। और ये हमारे रमेश बाबू उस्ताद, ये अपना कुआ है और यहाँ पर आते हैं कोई भी अनजान लोग तो पानी पीने। हाँ मतलब दूसरे आते हैं, तू अनजान नहीं है, तू तो जान पहचान को है। दोस्तों ये यहाँ पर ट्राली खाली कर दी है ये गेहूँ पूना अपना, और इसका कारण ये है क्योंकि आज शनिवार है और कल रविवार है, तो दो दिन अभी तो अवकाश है। तो रविवार को शाम को मंडी के लिए निकलेंगे, तो अभी क्या है थोड़ा सा सूख भी जाएगा, हल्का फुल्का गीला था। और पुनः गेहूँ है तो ज़्यादा इसको सूखा नहीं सकते खेत में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खिड़ता है, गिर जाता है खेत में ही, तो इस वजह से थोड़ा सा हल्का नमी होती है तभी हम कटा लेते हैं इसको। वैसे बहुत बढ़िया कटाई हुई है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा खिरा भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो रहता है 1-2%, वो तो जाता ही जाते हो आप। और अब मंडी होगी ये सोमवार के दिन, सोमवार ही मंडी चालू है, फिर वापस से मंगलवार के दिन शिवरात्रि है, तो मंडी की छुट्टी अवकाश रहेगा। तो अब देखते हैं कौन सी मंडी जाते हैं, क्या है क्या नहीं, वापस से बताते हैं इस व्लॉग में। अगर हो पाएगा मंडी का तो ठीक है, वरना जारी रहेगा व्लॉग आगे, फिर अगला पार्ट लेके आऊँगा मंडी का, क्योंकि ये लंबा हो जाता है व्लॉग, आप देखते नहीं हो इसलिए। तो ये मामला है, गेहूँ तो बढ़िया है और पका भी बहुत अच्छा है, मतलब लगभग अगर ये पूना की बात करूँ तो ये 15 क्विंटल बीघे का उत्पादन आ गया है। हमारे इधर 100 कड़ी के बीघे हैं और जो लोकोन था उस दिन कटा था उसका 12 क्विंटल बीघे का उत्पादन आया, वो खेत भी थोड़ा हल्का है और उत्पादन भी कम ही आया उसका। तो ये मामला है,